दोस्तों कैसे हैं, शुक्र करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, एक छोटा सा 500 एरिया में पाइपिंग फिटिंग और कौनसिल और लाइट बॉक्स कैसे डालते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पाइपिंग फिटिंग दिखाते हैं कि कैसे पाइपिंग फिटिंग हमने किया है और कैसे करना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं आप पाइप वायरिंग है, ये गैलरी का है जो चार कौनसिल लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं एमसीबी बॉक्स का पॉइंट, ये जहाँ पे पाइप लगा हुआ है, तो 1 इंची और 2 mm पौना इंच का पाइप, दो तरह का पाइप है। और ये सारे रूम का और हॉल का और बरामदा का टोटल पाइप यहाँ पर आया हुआ है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, जब भी हम फोर वे कनेक्शन बोलते हैं, फोर वे का मतलब ये होता है कि एक रूम में चार कौनसिल और चार पॉइंट निकालना, जो एक मेन होता है और 3 आउट होता है। ये कनेक्शन इस तरीका से है, जैसे बीच में एक फैन बॉक्स और चार कौनसिल चारों साइड से है। तो ये दोस्तों 10x10 का अगर रूम हो तो आप कर सकते हैं, ये देख रहे हैं 10x10 का। और ये जो सामने का जो देख रहे हैं सीरीज, इसमें 2 कनेक्शन हमने किया है। तो एक तो हो गया सीरीज कनेक्शन और दूसरा हो जाता है कि रूम बाय रूम हम पाइप लगा करके एमसीबी बॉक्स तक गिराते हैं और वहां से अलग डिवाइड कर देते हैं, ताकि कोई भी पाइप ब्लॉक हो तो कहीं से भी हम इसका कनेक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं जो फैन बॉक्स है, तो चार कौनसिल लगा हुआ है। जैसे ये देख रहे हैं, एक कौनसिल ये है और एक कौनसिल ये है, जो इस साइड हमने पॉइंट गिराया हुआ है एक पॉइंट, और ये एक साइड ये पॉइंट गिराया हुआ है। और ये देख रहे हैं बाईपास, दोनों में लूप सिस्टम है, जैसे सीरीज बोलते हैं सीरीज सिस्टम है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं 1 इंची का पाइप है, ये मेन पाइप है, यहाँ पे नीचे जो मेन बोर्ड लगेगा उसके लिए। और यहाँ से जो देख रहे हैं आप, ये पौना इंची का पाइप जो 2 mm, जब भी आप छत वायरिंग करें तो HMS का पाइप यानी 2 mm दे या 25 mm, उससे अच्छा होता है। थिकनेस इसकी मोटी रहती है तो मजबूत भी अच्छा रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक कौनसिल लगा है यहाँ पे, तो इसका भी एक पॉइंट गिराए हुए हैं। और यहाँ पे तो इसमें चार कौनसिल है दोस्तों, ये देख लीजिए चार कौनसिल है एक रूम में, 10x10 का रूम है ये। तो हैंड बॉक्स बीच में लगा हुआ है और चार कौनसिल चारों साइड, और चार पॉइंट हमने चारों साइड गिराया हुआ है। 3 साइड जो है सो आउटलाइन है और एक मेन लाइन है। और यहाँ पे पाइप जो पोलिंग सिस्टम हम गिराएंगे, यहाँ इस साइड से ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा रास्ता नहीं है। और वहाँ पे देख रहे हैं आप मेन एमसीबी पॉइंट के लिए। तो दोस्तों फैन बॉक्स आप जब भी लगाएं तो ये देख रहे हैं, ये दो हुक निकला हुआ है रॉड, इसे भी तार से बांधे, अभी हम बांधेंगे तो इसे भी तार से बांधे ताकि ये सही से टाइट रहेगा और ढलाई के समय गिरेगा नहीं। और ये देख लीजिए यहाँ पे एमसीबी कनेक्शन हमने निकाला है, जिसमें ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पाइप है, ये 1 इंची का पाइप है जो हमने पोल के लिए इस्तेमाल किया है। ये देख लीजिए 1 इंची का पाइप हमने पोल के लिए इस्तेमाल किया है जो बाहर से आएगा। और यहाँ पे दो जो पौना इंची का पाइप है, ये देख रहे हैं दो पाइप है, ये एक पाइप दूसरे रूम से आया हुआ है और एक पाइप फर्स्ट रूम से, यानी दो रूम है फर्स्ट सेकेंड। और ये यहाँ पे ये देख रहे हैं गैलरी का, ये पाइपलाइन गैलरी का है, ये देख रहे हैं यहाँ से ऐसे गया हुआ है ये गैलरी का, और वहाँ पे हमने बाईपास किया हुआ है ऊपर सीढ़ी के लिए। और ये जो देख रहे हैं 1 इंची का पाइप हमने यहाँ पे, ये हॉल के लिए है, यहाँ एक हॉल है, ये देख रहे हैं यहाँ पे हॉल कनेक्शन है, ये देख लीजिए ये यहाँ कौनसिल से हमने लाया हुआ है यहाँ पे, और कौनसिल से फोर वे कनेक्शन किया हुआ है। एक तो यहाँ पे सीरीज हमने किया है जो लूप लगाए हैं, तो ये सीरीज है उस कौनसिल से इसको कौनसिल, और यहाँ इस कौनसिल से इस रूम में। इसमें हमेशा फोर वे 2 लाइन देते हैं, जैसे फोर वे कनेक्शन हम कई बार हम वायरिंग में दिखा चुके हैं, तो फोर वे कनेक्शन हम देते हैं, तो इसमें 2 लाइन है, एक बाईपास होगा जो सीरीज लाइन बोलते हैं, सीरीज लाइन जो कौनसिल से कौनसिल लेकर के यहाँ पे हम वायर निकाल लेंगे। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये जो मेन वायर किया हुआ है, तो यहाँ पे एमसीबी का जो ऊपर जो 12 मॉडल लगता है वो चैम्बर बनता है, चैम्बर के बाद एमसीबी लगाएंगे। तो इसमें 4-way एमसीबी बॉक्स या 8-way एमसीबी बॉक्स या 12-way एमसीबी बॉक्स, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं।
तो दोस्तों आइए हम दिखा देते हैं इसका पूरा वीडियो। ये देख रहे हैं अब इसमें ढलाई का काम अब होने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं ये जीने के लिए लूप निकाले हैं, यहाँ पे एक पाइप लगाए हैं यहाँ पे बेंड कर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे फैन बॉक्स को, तो देख लीजिए इस तरीका से फैन बॉक्स बांधे, जो इसका हुक है दोनों साइड डबल डबल तार करके बांधे, और जितने भी पाइप लगाए हैं पाइप भी आप तार से बांध दें ताकि ये इधर उधर ना खसके, क्योंकि ढलाई के वक्त जब भी वाइब्रेशन चलता है वाइब्रेशन मशीन, तो आपका जो बॉक्स है इधर उधर खसक सकता है। तो ये देख लीजिए पाइप, जैसे कि हमने MCB के पास चारों तरफ से पाइप यानी हर एक रूम से और हॉल से पाइप कैसे लेकर के MCB के जो जहाँ पे MCB मेन बोर्ड लगाएंगे वहाँ पे कैसे हमने इकट्ठा किया है, देख रहे हैं धनुष की तरह दिख रहा है आपको। तो ये हमने MCB बॉक्स का यहाँ नीचे एक चैम्बर बनेगा उसी के लिए ही ये। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं माल मिला दिए हैं और ढलाई के लिए चालू होने वाला है। तो ये देख रहे हैं ये लोग कैसे ढलाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मशीन लगने वाली थी लेकिन मशीन नहीं लगा पाए हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन गीला है। तो यहाँ पे चैनल तरफ बना करके और ढलाई का काम स्टार्ट हुआ है, तो इसमें और सेफ हो जाता है, पाइप आपका कोई भी पाइप क्रैक नहीं होगा और ना ही डैमेज होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए आपको नज़दीक से हम दिखा देते हैं कि ये जैसे भी काम करते हैं बहुत ही अच्छा ढलाई करते हैं, और यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन चलाने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि इसमें माल थोड़ा गीला डलता है। ये देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टीलेवर छत है और कॉन्टीलेवर में बहुत ही अच्छा ढलाई होता है क्योंकि इसमें पकड़ हो जाता है और बीम की मजबूती ज़्यादा होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी दोस्त नए हमारे चैनल में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों।